आध्यात्मिक सच्चाई हमें अनोखे सफर पर ले जाती है। ये ऐसा सफर है जो आपका जीवन बदल देगा। ये सफर आपको ज्ञान और सुख की सीमा तक ले जाएगा। आध्यात्मिक सच्चाई का ये कार्यक्रम ध्यान और ध्यान के अनुभवों पर बनाया गया है। ये कार्यक्रम आराम से देखिए, देखिए और देखते देखते इसके साथ बहते जाइए। इसका विश्लेषण मत कीजिए, इसमें डूब जाइए। हर विचार को दूर कर दीजिए, गहरी सांस लीजिए, बस देखते रहिए। ये सिर्फ आपके लिए है। इस पूरी सृष्टि के हम एक बहुत छोटे से कण हैं। हम सबकी एक ही खोज है, अच्छा स्वास्थ्य, शांति, ज्ञान, सौभाग्य, शक्ति। मतलब हर समय हर हाल में सुख और शांति की कामना। ये पाने के लिए हर इंसान कड़ी मेहनत करता है, मगर क्या हम इसे पा सकते हैं? जी हां, ये हासिल की जा सकती है। ये सब तभी मुमकिन है जब हम आत्मज्ञान और विश्व शक्ति को समझ लें। तो चलिए विश्व शक्ति की हम जानकारी लेते हैं। विश्व शक्ति पूरे विश्व में मौजूद है। इस शक्ति से पूरा तारापुंज, ग्रह, मनुष्य, परमाणु बंधे हुए हैं। ये हर जगह मौजूद है। इसका बंधन पूरे विश्व को व्यवस्थित रखता है। विश्व शक्ति जीवन शक्ति है, दिव्य शक्ति है। विश्व शक्ति हमारे जिंदगी के संतुलन और चेतना के लिए जरूरी है। विश्व शक्ति हमारी हर क्रिया और काम की नींव है। गहरी नींद और पूरी खामोशी में हमें थोड़ी सी विश्व शक्ति मिलती है। इस शक्ति का हम अपने रोज के दिमागी कामों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शरीर के हर काम। ये थोड़ी सी शक्ति हमें सोते समय मिलती है, जो इन सब कामों के लिए काफी नहीं है। इसलिए हम थक जाते हैं, तनाव से भर जाते हैं। इससे हम शारीरिक और मानसिक झंझटों में फंस जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। इन सब से छुटकारा पाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा विश्व शक्ति मिलनी जरूरी है। विश्व शक्ति जरूरी है हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए, हर काम और मौके से जूझने के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए और अंत में अपनी चेतना बढ़ाने के लिए। भरपूर विश्व शक्ति हमें केवल ध्यान से मिलती है।
नींद अचेत ध्यान है, ध्यान सहज नींद है। नींद में हमें थोड़ी सी ही शक्ति मिलती है, ध्यान से भरपूर शक्ति मिलती है। ये शक्ति हमारे शरीर की, दिमाग की और बुद्धि की शक्ति बढ़ाती है। छठी इंद्री उजागर करती है और भी बहुत कुछ। इस ज्ञान से बढ़ी हुई शक्ति से हम बिना तनाव के स्वस्थ और खुश रह सकते हैं। हमारी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। ध्यान हमारी चेतना स्वयं की ओर आने के सिवा कुछ नहीं है। ध्यान से हम जानबूझकर अपने शरीर से दिमाग तक जाते हैं, दिमाग से ज्ञान और ज्ञान से स्वयं की ओर और उससे भी आगे पहुंच जाते हैं। ध्यान करने के लिए हमें अपने शरीर की सारी हरकतों को बंद करना पड़ता है, जैसे शरीर का हिलना, देखना, बोलना और सोचना। ध्यान कैसे करते हैं आइए देखते हैं। ध्यान के लिए पहला काम है स्थिति। आप किसी भी तरह बैठ सकते हैं। बैठना आरामदेह और निश्चल होना चाहिए। हम जमीन और कुर्सी पर बैठकर ध्यान कर सकते हैं। ध्यान हम किसी भी जगह कर सकते हैं जहां हम सुखदायी हों। आराम से बैठिए, पैरों को मोड़िए, उंगलियों को फंसाइए, आंखें बंद कर लीजिए। अंदर और बाहर की आवाजों पर रोक लगाइए। किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं कीजिए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, ढीला, बिल्कुल ढीला। जब हम पैरों को मोड़ते हैं और अंगुलियों को फंसा लेते हैं तो शक्ति का दायरा बढ़ जाता है, स्थिरता बढ़ जाती है। आंखें दिमाग के द्वार हैं, इसीलिए आंखें बंद होनी चाहिए। मंत्रोच्चारण, कोई भी ध्वनियां, अंदर की या बाहर की, मन की क्रियाएं हैं, इसीलिए इन्हें बंद करना होगा। जब शरीर ढीला छोड़ दिया जाता है, चेतना दूसरे कक्ष में पहुंच जाती है, मन और बुद्धि। मन विचारों का समूह है। बहुत से विचार हमारे मन में उभरते रहते हैं। जब विचार आते हैं तो प्रश्न भी उठ खड़े होते हैं, जाने और अनजाने। मन और बुद्धि को भावातीत करने के लिए हमें अपनी सांस पर ध्यान देना चाहिए। अपने आप पर ध्यान देना हमारी प्रकृति है। जानबूझकर सांस न लीजिए। जानबूझकर सांस लीजिए न छोड़िए। सांस लेना या छोड़ना अनायास होना चाहिए। प्राकृतिक सांस पर ध्यान दीजिए, ये इसकी व्याख्या है, यही तरीका है। विचारों का पीछा मत कीजिए। विचार, सवाल
उनसे चिपक मत जाइए, विचारों को हटा दीजिए, सांस पर पुनः ध्यान दीजिए, प्राकृतिक सांसों पर ध्यान दीजिए, सांसों में खो जाइए। इसके बाद सांसों की गहराई कम होती जाएगी, धीरे धीरे सांस हल्की और छोटी होती जाएगी। आखिर में सांस बहुत छोटी हो जाएगी और दोनों भावों के बीच में चमक का रूप ले लेगी। इस दशा में हर किसी में न सांस रहेगी न विचार, वो विचारों से परे हो जाएगा। ये दशा कहलाती है निर्मल स्थिति या बिना विचारों की दशा। ये ध्यान की दशा है। ये वो अवस्था है जब हम पर विश्व शक्ति की बौछार होने लगती है। हम जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतनी ही ज्यादा विश्व शक्ति हमें प्राप्त होगी। विश्व शक्ति प्राणमय शरीर की शक्ति में प्रवाह करती है। शक्ति से भरा हुआ शरीर प्राणमय कहलाता है। प्राणमय शरीर में 72,000 से ज्यादा रंग रहित नाड़ियां या शक्ति की नलियां होती हैं जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं। शक्ति नलियां सिर के भाग से शुरू होती हैं। ये भाग ब्रह्मरंध्र कहलाता है। ये नलियां सारे शरीर में पेड़ की जड़ों और डालियों की तरह फैली हुई हैं। प्राणमय शरीर हमारे शरीर का विशेष आधार है। प्राणमय शरीर हमारे कार्य, यहां तक कि हमारे अस्तित्व का स्रोत है। प्राणमय शरीर को गहरी नींद में या फिर ध्यान में विश्व शक्ति मिलती है। हम इस शक्ति का उपयोग अपनी सारी मानसिक और शारीरिक क्रियाओं में, जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शारीरिक कार्यों में करते हैं। इन्हीं सारे कर्मों का आधार विश्व शक्ति है। विश्व शक्ति का बहाव केवल हमारे विचारों पर आधारित है। जब हम सोचने लगते हैं तो विश्व शक्ति का बहाव रुक जाता है। मतलब यह है, हमारा सोचना विश्व शक्ति का बांध है। जब विश्व शक्ति का बहाव कम हो जाता है तो शक्ति नलियों में कम शक्ति पहुंचती है।
ये कमी हमारे शरीर की शक्ति में रंग रहित सूक्ष्म धब्बे डाल देती है। ये धब्बे धीरे धीरे हमारी शरीर में बीमारी पैदा करते हैं। मतलब ये है कि हमारे प्राणमय शरीर में शक्ति की कमी सारी बीमारियों की जड़ है। ध्यान से हमें बहुत बड़ी मात्रा में विश्व शक्ति मिलती है। ये हमारी शक्ति नलियों के जरिए सारे शरीर में पहुंचती है। जब विश्व शक्ति बहुत बड़ी मात्रा में शक्ति नलियों में बहने लगती है तो रंग रहित सूक्ष्म धब्बे मिट जाते हैं, और जब ये धब्बे साफ हो जाते हैं तो हम सारी बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। जब ब्रह्म रंध्र में शक्ति बहने लगती है तो हमें सिर में और सारे शरीर में भारीपन लगने लगता है। जब शक्ति हमारे नलियों को साफ करने लगती है तो हमें उस हिस्से में खुजली या दर्द का आभास होता है। कभी कभी हमें भौतिक शरीर के कई हिस्सों में दर्द भी महसूस हो सकता है। इन दर्दों को दूर करने के लिए हमें दवा लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा ध्यान करने से ये दर्द दूर हो जाते हैं। ध्यान के द्वारा ज्यादा विश्व संजोने से हम सारी मानसिक और शारीरिक बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर हम पिरामिड के अंदर बैठकर ध्यान करें तो ध्यान की अवस्था साधारण से तिगुनी जल्दी पहुंच जाती है। अब हम ये मालूम करेंगे कि पिरामिड और पिरामिड की शक्ति क्या है। हमारी पृथ्वी ग्रह पर पिरामिड एक मजबूत भवन है जिसको सबसे ज्यादा विश्व शक्ति मिलती है। पिरामिड का कोण 52 डिग्री 51 मिनट है। इस कोण की बदौलत इसे सबसे ज्यादा विश्व शक्ति मिलती है। पिरामिड किसी भी चीज से बनाया जा सकता है। पिरामिड को सही दिशाओं में रखना आवश्यक है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। विश्व शक्ति इसके नीचे से एक तिहाई की ऊंचाई पर इकट्ठी होती है। ये जगह शाही कक्ष कहलाता है। शाही कक्ष में सबसे ज्यादा विश्व शक्ति होती है। पिरामिड की शिखा पर एक क्रिस्टल लगाया जाता है। इससे विश्व शक्ति बढ़ती है और पिरामिड के सारे हिस्सों तक पहुंचती है। अगर हम पिरामिड के अंदर ध्यान करें तो निर्मल स्थिति तिगुनी जल्दी प्राप्त होती है। पिरामिड लोक परलोक से
आदान प्रदान के भी काम आता है। पिरामिड के अंदर ध्यान करने से रोग मुक्ति में सहायता मिलती है और ध्यान के सारे अनुभव हो सकते हैं। आइए, अब तक हमने जो समझा है उसे एक बार फिर दोहराते हैं। ध्यान स्वयं की ओर आने की यात्रा है। इसके लिए हमें शरीर को उत्कृष्ट बनाना पड़ता है। आरामदेह तरीके से बैठने से हमारा शरीर शिथिल हो जाता है और चेतना को भावातीत बनाने में सहायता मिलती है। अपनी प्राकृतिक सांसों पर ध्यान देने से हम अपना मन भावातीत बना लेते हैं। जब हमारा शरीर भावातीत हो जाता है तो विश्व शक्ति बहने लगती है। विश्व शक्ति से शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं और हम बिना दवाओं के स्वस्थ हो जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने से विश्व शक्ति सारे तनाव दूर कर देती है। जैसे जैसे हम ध्यान करते जाएंगे, हमारा मन शांत और विशाल होता चला जाएगा। इससे हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने से हमारी समझ बूझ की शक्ति भी बढ़ेगी और इससे हमारे दूसरों से संबंध बढ़ेंगे। ध्यान से सुखी गृहस्थ जीवन प्राप्त होगा, मन की शांति मिलेगी। ध्यान आपको स्वस्थ और परम आनंदित बनाता है। ध्यान से हमें अपने सवालों के जवाब मिलते हैं। ये और इससे ज्यादा पाने के लिए हर दिन ध्यान करना चाहिए। ध्यान किसी भी जगह किया जा सकता है। ध्यान किसी भी समय किया जा सकता है, सफर में भी। एक बार में अपनी उम्र के बराबर समय तक ध्यान करना चाहिए। मिसाल के तौर पर 30 साल के उम्र के व्यक्ति को एक समय में कम से कम 30 मिनटों तक ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने के लिए आपको परिवार से दूर रहने की जरूरत नहीं है। हर किसी को ध्यान करना चाहिए। बच्चे सबसे अच्छा ध्यान करते हैं। ये 5 साल की उम्र से ध्यान शुरू कर सकते हैं। ध्यान करने के लिए आपको किसी गुरु या मास्टर की जरूरत नहीं है। आपका गुरु या मास्टर आपके भीतर है। आपका सांस आपका गुरु है। ये सबके लिए है।
ध्यान हमारी चेतना की स्वयं की ओर जाने की यात्रा है। स्वयं तक पहुंचने के लिए हमें मन और शरीर को उत्कृष्ट बनाना पड़ता है। जब हम स्वयं पहुंच जाते हैं तब हमें भरपूर विश्व शक्ति मिलती है। ज्यादा विश्व शक्ति हमें ज्ञान के क्षेत्र में ले जाती है। ज्ञान या बोध क्या है इस पर विचार करते हैं। ध्यान हमारे ज्ञान को ऊंचे स्तर तक ले जाता है। ज्ञान और कुछ नहीं केवल एक अनुभव है। अनुभव और कुछ नहीं केवल अपने आप में पूरी तरह डूब जाना है। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने से हमें ज्यादा शक्ति मिलती है। इस ज्यादा शक्ति से हम हर चीज में ज्यादा ग्रस्त हो जाते हैं और इस तरह हम ज्यादा ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान के द्वारा हमारी समझ बूझ और बुद्धिमत्ता में वृद्धि होती है। इस समझ बूझ से हम समझ जाते हैं हम केवल शरीर और मन ही नहीं है। हम समझ जाते हैं कि हम एक अद्भुत जीव है। और ज्यादा समझ के द्वारा अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। ज्यादा शक्ति और ज्यादा ज्ञान हमारी चेतना का विस्तार करता है। चेतना का विस्तार ही आत्मा का ध्येय है। ज्यादा ज्ञान हमें विशिष्ट इंद्रियों द्वारा मिलता है, जैसे दिव्य चक्षु और सूक्ष्म शरीर। दिव्य चक्षु हमारी आत्मा का बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है। ये परलोक की वास्तविकता देखने, महसूस करने और सुनने का बहुत ही शक्तिशाली साधन है। आत्मा की ये तीन प्रक्रिया ही दिव्य चक्षु हैं। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने से ज्यादा शक्ति बहने लगती है। ज्यादा शक्ति दिव्य चक्षु को गतिशील करती है। ध्यान करने के लिए ये अनोखा अनुभव है। दिव्य चक्षु जब गतिशील होने लगता है तब हमारे मस्तिष्क यानी माथे पर खिंचाव और खुजली होने लगती है। हमें विभिन्न रंगों की झलकियां अपने चारों ओर घूमती हुई दिखाई देती हैं। हमें फुसफुसाहट और चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। हमें लगता है कि जैसे हम घुप अंधेरी सुरंग में यात्रा कर रहे हैं।
जब हम ज्यादा ध्यान करते हैं तो हमारे प्राणमय शरीर को काफी दिव्य शक्ति मिल जाती है, जिससे हमारे दिव्य चक्षु की सिद्धि हो जाती है। हमें ये स्तर और दूसरे स्तर साफ दिखाई देने लगते हैं। दिव्य चक्षु की संपूर्णता से हमें बहुत सी चीजें आंखों से ज्यादा साफ दिखाई देने लगती है। हमें दूसरे स्तरों की वास्तविकताएं दिखाई देने लगती हैं। हमें दिखाई देती हैं वो चीजें जो पांच ज्ञानेंद्रियों से भी दिखाई नहीं देती। हम महसूस करते हैं वो बहुत सी चीजें जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। हमें सुनाई देती हैं पार्श्व ध्वनियां, दूसरे स्तर के वाद्यों की आवाजें। हमें दिखाई देते हैं वो महापुरुष जिनका शारीरिक रूप हमारे साथ नहीं है। हमें दिखाई देते हैं वो महापुरुष जिनका शारीरिक रूप हमारी कल्पना में है। अधिक ध्यान करने से हमें वो महापुरुष तीव्र ज्योति के रूप में दिखाई देते हैं। तीव्र ज्योति के रूप में देखने के बाद भी हम उन्हें पहचान सकते हैं। हम महापुरुषों का संदेश सुन सकते हैं। हम महसूस करते हैं एक सुरंग में यात्रा करने का अनुभव और अंत में प्रकाश में विलीन होने का अनुभव। हम जानते हैं कि दिव्य चक्षु के अनुभवों के द्वारा हम अपनी सारी समस्याओं का समाधान महापुरुषों द्वारा भेजे गए संदेशों से कर सकते हैं, या दूसरे लोगों की वास्तविकताओं द्वारा एक अनुभव के रूप में। इससे हमारी हरकतें बदलेंगी, हमारे विश्वास बदलेंगे, हमारी समझ बदलेगी। दिव्य चक्षु के इस अनुभव से हमारे सामने मौजूद भौतिक स्तर का बोध बदल जाएगा। आइए अब हम स्वयं यानी शरीर के दूसरे साधनों की जानकारी लेते हैं। सूक्ष्म शरीर,
स्वयं का वो साधन है जो दूसरे लोगों को ज्ञान देता है। सूक्ष्म शरीर हमारी चेतना का दूसरा रूप है। हमारे भौतिक शरीर जैसा साधारण स्थिति में चेतना हमारे पूरे शरीर में मौजूद रहती है। सोते समय अनजाने में हम सूक्ष्म शरीर की तरंगों का अनुभव करते हैं, इन्हें हम स्वप्न कहते हैं। जागृत अवस्था में हम सूक्ष्म शरीर का अनुभव ध्यान द्वारा कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर की यात्रा अंतराल और समय से परे है। सचेत अवस्था में अंतराल के अनुभवों के बाद हमें नए अंशों का ज्ञान मिलता है। ध्यान में भरपूर विश्व शक्ति मिलने के बाद चेतना जो हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है एक बिंदु की ओर जाने लगती है। जब चेतना बढ़ती है तो हमें भौतिक शरीर में झटकों का अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसा हमारा शरीर तैर रहा हो। लगता है हमारे हाथ पैर हैं ही नहीं। हमें अपना शरीर पंख की तरह हल्का लगने लगता है। ये पारलौकिक शक्ति कहलाती है। अधिक से अधिक ध्यान करने से अधिक विश्व शक्ति मिलती है। हमारी चेतना सूक्ष्म शरीर का रूप धारण करके बहुत तेजी से घूमने लगती है, जिससे हरकतें बढ़ने लगती हैं। इन हरकतों के बाद हमारा सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर से बाहर आने लगता है। ये दोनों शरीर चांदी जैसे डोर से जुड़े रहते हैं। ये चांदी की डोर और कुछ नहीं, तेज गति से थड़थड़ाती हुई चेतना है जो भौतिक शरीर से सूक्ष्म शरीर को और सूक्ष्म शरीर से भौतिक शरीर को संदेश देती रहती है। और इस तरह हम अंतराल का सफर तय करते हैं। अंतराल की यात्रा हमारी चेतना की जाने और अनजाने लोगों की यात्रा है। अंतराल की यात्रा द्वारा हमें स्वयं के बारे में उच्चतम ज्ञान और बूझ मिलती है। अंतराल की यात्रा में हमारा सूक्ष्म शरीर सारे भौतिक चीजों और तत्वों जैसे पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश के बीच में से गुजर सकता है। सूक्ष्म शरीर सारे लोगों के बीच से निर्भीक गुजर सकता है।
ध्यान करने वाला व्यक्ति अपने शरीर से बाहर आकर अपने भौतिक शरीर को देख सकता है। इससे उसे उच्चतम बोध होता है। वो समझ पाता है कि वो शरीर मात्र नहीं बल्कि शरीर में रहता है। ये एक गहन बोध है। हर किसी को अंतराल की यात्रा का अनुभव करना चाहिए। अधिक से अधिक यात्रा करने से हमारी सीमाएं खत्म हो जाएंगी। हम जान जाएंगे कि हम असीम हैं। केवल इसी अनुभव के द्वारा हम जान जाएंगे कि हम ही चेतना है। हम जान जाएंगे कि हम असीम हैं। हम जीवन का नया विस्तार जान जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने से हमें ज्यादा विश्व शक्ति मिलेगी। विश्व शक्ति द्वारा अपने हर काम में क्रियाशील होने की हमारी क्षमता बढ़ती है। शरीर मन और स्वयं से ज्यादा क्रियाशील होने से हम हर स्थिति को पूरी तरह समझ पाते हैं। ये समझ और कुछ नहीं ज्ञान है। साधारण मनुष्य को केवल अनुभव मिलता है क्योंकि उस अवस्था में वो ज्ञान के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि उस अवस्था का अनुभव वो केवल भौतिक समझ से करता है। ज्ञान योग उस अवस्था को पूरी तरह समझ लेता है क्योंकि वो जानता है कि वो केवल शरीर नहीं सिर्फ शरीर में रहता है। वो जानता है कि अवस्थाएं उसके विकास के लिए हैं। ध्यान के अनुभवों के बाद और व्यवहारिक जीवन में उनका प्रयोग करने से हमें अपार समझ का आभास होगा। इस समझ से हजारों दरवाजे खुल जाएंगे। ये दरवाजे हमारे जीवन की नई उपलब्धियों का नया विस्तार करेंगे। हमारी समझ से उपलब्धियों और ज्ञान की अधिक बढ़ोतरी होगी। इससे हमारी चेतना का विस्तार होगा, जो और कुछ नहीं बल्कि विवेक की उपलब्धि है। इस विवेक का अनुभव कुछ ऐसा होगा जैसे वो हजारों सुनहरी पत्तियों वाला कमल है। हर एक पत्ती समझ की एक नई मात्रा होगी। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में समझने के बाद हमें दूसरे लोगों की मौजूदगी ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाएगी। इस समझ से हम जान जाएंगे कि मृत्यु कभी नहीं होती। हम अनंत जीव हैं। हम समझ जाएंगे कि जीवन क्या है और मृत्यु क्या है। हम इस धरती पर विश्व चेतना की एक
कण के रूप में आते हैं। उद्गम स्थान से हम स्वयं के प्राणमय शरीर का एक ढांचा लेकर आते हैं। हम इस धरती पर अनोखे अनुभव करने आते हैं। अपने अनुभवों के लिए हम एक गर्भ स्थान या कोख चुनते हैं। हम माता पिता, वातावरण और हालात चुनते हैं। जीवन का पूरा ढांचा स्वयं को मालूम होता है। मां को चुनने के बाद चेतना का एक कण मां के गर्भस्थान में प्रवेश करता है। चेतना का मां के गर्भस्थान में प्रवेश होने के बाद गर्भस्थ शिशु में प्राण आते हैं। प्राणमय शरीर में विश्व शक्ति के हिसाब से और उनके कारणों से प्राकृतिक शरीर बनने लगता है। चेतना बारंबार उद्गम स्थान में आती रहती है और जब तक पहली सांस आती है मां के गर्भस्थान से बाहर आने के बाद वो बाहर की पहली सांस लेता है। इसे जन्म कहते हैं। पहले दिन से 7 वर्ष तक हमें उद्गम स्थान का आभास रहता है। 7 वर्ष की उम्र से दिमाग अपना आकार लेना शुरू करता है। 14 वर्ष में ये क्रिया पूरी हो जाती है। बुद्धि की क्रिया शीलता 14वें वर्ष से शुरू होकर 21वें वर्ष में संपूर्ण हो जाती है। 21वें वर्ष से 28वें वर्ष तक मनुष्य शरीर, दिमाग और बुद्धि के मिश्रण का अनुभव करता है। 28वें वर्ष की उम्र से जीवन उसकी स्वयं की बुद्धि पर निर्भर करता है। अगर मनुष्य स्वयं से आगाह नहीं होता तो उसकी चेतना शरीर और दिमाग के बीच में अटकी रहती है और यहीं से सारे दुख शुरू हो जाते हैं। वो हालात समझ नहीं पाता, इससे हर बात सोचनीय हो जाती है। वो अपने आप को गुप्त कठोरता के आंचल में छुपा लेता है। कठोरता विश्व शक्ति के बहाव को रोक देती है, जिसके कारण वो शारीरिक बीमारियों के दबाव और तनाव में फंस जाता है। वो अपना जीवन बिना सावधानी के बिताता है। वो अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझ पाता। वो बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे तक जीवन बिताकर पृथ्वी से सिधार जाता है। वो अपने जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं कर पाता। इसे हम मृत्यु कहते हैं। मृत्यु के बाद भी उसके दिमाग का कठोर स्तर, गलत बूझ चेतना को उद्गम स्थान नहीं पहुंचने देती।
गलत बूझ के कारण अपना स्वर्ग और नरक खुद पैदा कर लेता है और छोटे दर्जे का आध्यात्मिक जीव बनकर रह जाता है। अगर मनुष्य स्वयं में सरोवर होकर अपना जीवन शुरू करता है तो वो हर हाल में आनंद पूर्वक रहेगा। मृत्यु के बाद भी वो निचले लोकों में नहीं रहेगा, वो उद्गम स्थान पर लौट जाएगा। दिव्य चक्षु अनुभव और सूक्ष्म शरीर अनुभवों से ज्यादा ज्ञान प्राप्त होता है। इस ज्ञान से जीवन और मृत्यु का अर्थ समझ में आता है। शरीर, दिमाग, बुद्धि, स्वयं और जीवन की शक्ति अच्छी तरह समझ में आएगी। मनुष्य समझ जाएगा कि चेतना विश्व शक्ति और ज्ञान का मिश्रण है। चेतना शक्ति और ज्ञान पाने के लिए पृथ्वी पर आती है। सदा सच्चाई के सहारे जीने से मनुष्य पूरी सृष्टि की निर्माण व्यवस्था को पूर्ण रूप से समझ सकता है। इस समझ के द्वारा मनुष्य एक अद्भुत सृष्टिकर्ता बन सकता है। और फिर मनुष्य का हर वाक्य ब्रह्म वाक्य होगा। वो जो सोचेगा वो संपूर्ण होगा। उसका हर कार्य एक नया आविष्कार होगा। यही है ज्ञान बोध।